हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बारोट नंदीस ऑल इन वन। तो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं अमी ऑर्गेनिक लिमिटेड आईपीओ के बारे में। ये कंपनी का इश्यू 25 अगस्त को ओपन हो सकता है। आज जानेंगे इस कंपनी के बारे में, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 2004 में। अमी ऑर्गेनिक लिमिटेड अग्रणी में से एक है। विशेष रसायनों के अनुसंधान और विकास संचालित निर्माता कंपनी नई रासायनिक संस्थाओं के लिए विभिन्न प्रकार के उन्नत फार्मास्यूटिकल इंटरमीडिएट और सक्रिय फार्मास्यूटिकल सामग्री और कृषि रसायन और ठीक रसायनों के लिए सामग्री बनाती है। कंपनी ने 17 प्रमुख चिकित्सीय क्षेत्रों में 450 से अधिक फार्मा इंटरमीडिएट विकसित किए हैं, जैसे कि एंटी रेट्रोवायरल, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी साइकोटिक, एंटी केसर, एंटी पार्किंसंस, एंटी डिप्रेसेंट और कोगुलेट। यह भारत में और विदेशों में 25 देशों जैसे यूरोप, अमेरिका, चीन, इजराइल, जापान, लैटिन अमेरिका आदि में 150 से अधिक ग्राहकों को अपने उत्पादकों की आपूर्ति करता है। लोरेस लैब्स, कैडिला हेल्थ केयर, सिप्ला लिमिटेड इनमें से कुछ है घरेलू ग्राहक, जबकि ऑर्गेनिक सरला सोशियो यूनिको, फर्मियन ऑयल, मेडिकेम ऐसे, मीडिया फार्मा, GMBH कुछ अंतरराष्ट्रीय ग्राहक है। कंपनी की गुजरात में 3 विनिर्माण सुविधाएं सचिन, अंकलेश्वर और झगड़िया में स्थित है, जिनकी कुल स्थापित क्षमता 6060 MTPA है। अब हम कंपनी की कंपेटिटिव स्ट्रेंथ जान लेते हैं। कुछ फार्मा इंटरमीडिएट के अग्रणी निर्माताओं में से एक यानी डोल्टेग्रेविर, ट्रेजोडॉन, एंटाकेपोन, निटेडेनिब और रिवरॉक्स बैन 17 चिकित्सीय क्षेत्रों में 450 से भी ज्यादा फार्मा इंटरमीडिएट के साथ मजबूत और विविध उत्पादन पोर्टफोलियो, व्यापक भौगोलिक उपस्थिति और विविध ग्राहक आधार, मजबूत अनुसंधान एवं विकास, बिक्री और विपणन क्षमताएं, लगातार वित्तीय प्रदर्शन ट्रैक रिकॉर्ड। अब हम कंपनी के प्रमोटर की बात करें तो नरेश कुमार रामजी भाई पटेल, चेतन कुमार छनालाल वागसिया, शीतल नरेश कुमार पटेल और पारुल चेतन कुमार वागसिया कंपनी के प्रमोटर है। गाइज, अब हम बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल रिपोर्ट के बारे में। टोटल एसेट, टोटल रेवेन्यू और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो आंकड़े मिलियन में दिए हुए हैं। साल 31 मार्च 2019 में कंपनी को 232.95 मिलियन का प्रॉफिट हुआ था। साल 31 मार्च 2020 में कंपनी को 274.7 मिलियन का प्रॉफिट हुआ था। साल 31 मार्च 2021 में कंपनी को 539.99 मिलियन का प्रॉफिट हुआ था। कंपनी फाइनेंशियल आंकड़ों से प्रॉफिट में चलती हुई नजर आ रही है। कंपनी का फाइनेंशियल बैकग्राउंड और फंडामेंटल बहुत ही स्ट्रांग है। आगे जैसे ही ऑफिशियली डिटेल्स, टाइम टेबल और GMP ओपन होगा, मैं आपको अपडेट देता रहूंगा। देखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहे। तो आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और हाँ, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।